ए ट्रेलर देखि कि बुझा पडुछि कि फिल्म ता केते तगड़ा सो फिल्म रे आगु को बढ़िबा और डाकिबा हमर नेक्स्ट टीम को प्लीज हाय बोथ ऑफ यू निजे को टिके इंट्रोड्यूस करे दियंतु मायसेल्फ सुब्रत कुमार पात्रो एंड आई एम अंकित समंतराय ओके हेलो सुब्रत अंकित कौन देखेबे हमको आपन माने आम पाखे अच्छे गोटे बड़ पाइपर पार्क आ गोटे अच्छे आप देखिपे गोटे बर्ड आप जो उड़ूची देखुंत निजे बनई गोटे कहते अनिंत कप्टर और जो पाखे उड़ूचे आ सेकेंड आम पाखे अच्छे गोटे विटी ऑलराउंडर एटा भी आम पाखे फ्लाई करुचे आ गए आम गोटे छोटो मॉडल जो बालसावुड बनई दैट इज अ ग्लाइडर दैट आम पाखे से आसवा यहाँ आम गोटे बड़ पाइपर पार्क देखते एटा गोटे आईसी इंजिन रन करुचे आप देखते छोट गोटे एयरक्राफ्ट भाया ये भी पूरा कैपासीटी हूँ लोड कैपासीटी 20 kg एबव नहीं पारे जो आप कि भी इरीगेशन पर्पोज ना आउ कौटे भी यूज कर पारे सेकेंडली आसवाक गले गोटे 20 kg एमती नहीं पार्चे कौट भी आपड़ किसी लोड दे पारे कैमेरा भी लग पारे गोटे स्पाई भी यूज हो पार डिफरेन्स एमती अच्छे आम बेसिकली यूँ करूटा मैंने जिनसा हूँ वेट आम क्यारिंग कैपासीटी गोटे मैंने प्लेन क्यारिंग कैपासीटी को बढ़ावा जिस विंग्स गुड़ा बड़ कराला एंड तर बॉडी भी बड़ कराई एंड इंजन कैपासीटी बढ़ाला से एंड नेक्स्ट आम जो ब्लू ब्लू प्लेन टा एंड येलो वन दुटा येलोटा फर्स्ट आम मॉडल डिजाइन करलु गोटे नॉर्मल गोटे छोट प्लेन गोटे डिजाइन करने ट्राए करने डिजाइन कलु बट एटा बेसी वेट नहीं पार्नि स्टिल आम गोटे तैयारी कलु जिन देख लु मैंने मैंने जो येलो जिनसा अच्छे हाँ। भी मोटर लगे बट से मैंने बहुत लिमिटेशन पड़ा से जमती कि मैंने बेस हाइट को जीवनी साइज स्मॉल एंड हाइट को जीवनी एंड अनस्टेबल इट्स वेरी अनस्टेबल एंड कंट्रोल करने बहुत कष्ट सो आम आसलू ब्लू जिनसटा तार विंग्स गुड़ाक मैंने डायमेनसन बहुत बड़ अच्छी एंड तार कंट्रोलिंग जिनस गुड़ा मैंने युवा भी रडार गुड़ाक एंड इयर से बड़ कराला एंड बॉडीटा भी मैंने गोटे शेप गोटे दि आसला गोटे भल मैंने देखिए लुक्स भी भल कलु गोटे देन एम आसल ये जिनसटा बेस हाइट को नहीं पार्चु एंड एंड कंट्रोलिंग कैपासीटी बहुत बढ़ीगला सो एयरक्राफ्ट तार बेटर और मोर टेक्निकल वर्जन बस देखो इनोवेशन कथा पढ़ले सब बड़ चैलेंज जो था मार्केटेबिलिटी जो आपको फाइनाली को गोटे क्लाइंट को बिकवर थी आप यार कौन यूएसपी देखेंगे अरे कंप्लीटली हमें देखे पारे इट विल कॉस्ट यू अराउंड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स इट विल एटा आस पारे आपणकर 7 to 8,000 आर भी बहुत बेनिफिट अच्छे आपण एटा मिनिमम 500 meters अबव रे फ्लाई करि परिवे देखिबे एटा बहुत हाई भी जेमती जाउची देखिबा कि भल लागो यार वेट कैरिंग कैपेसिटी भी अधिक बट ए से जेन सटा इट लुक्स लाइक अ बर्ड हां इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ बर्ड बट इट्स एन माने इट्स अ इट्स लाइक अ हेलीकॉप्टर मीन यू कैन फ्लाई दैट यू कैन टेक इट एनीवेयर सो से जिनसटा आम से भाई मैंने चलती वर्क चलती मैंने समस्त इनक्विजिटिवनेस बढ़ी गला यूएसपी विषय में शुणी आम टे डेमो देखा बर्ड पर साउंड भी करती दैट्स इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच सुब्रत बहुत बढ़िया लगा आप हमारा इनोवेशन थैंक यू वेरी मच प्लीज टेक अ सीट हमारे जेनरेशन एक्स केवल चैलेंज को एक्सेप्ट करबा सिखनी बरंग प्रत्येक एडवर्स सिचुएशन रे भी चैलेंज को जितिबार साहस से धैर्य से प्रतिभा तांक भीतर अछि सेटा प्रमाणित कर देछिनते हमर ए सुपर टैलेंटेड यंगस्टर्स माने मतलब उछि आउ किस दिन परे जतबेले ए टेक्नोलॉजी सब बहुत कॉमन हे जइबो सेतबेले लोक घरु ऑफिस बाहरिबो पूर्वरु एमति गोटे एयरक्राफ्ट पठेबे देखिबा पई कि को रास्ता रे गले ट्रैफिक कम पड़िबो तापर ऑफिस जिबे नहले लंच ब्रेक रे घरु को फेरबे पूर्वरु एमति गोटे इंस्पेक्शन एयरक्राफ्ट पठेबे देखिबा पई कि घरे लंच तयारी हेछि कि नाही एंड तापर आसीबे सो दैट विल बी रियल इनोवेशन थैंक यू गाइस बहुत ही इंस्पायरिंग हो जाए एटमोसफियर देखला पर कि यंग टीम माने कौन कमाल करुछंती साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकिन तेज डेमोन्स्ट्रेशन रे आहुरी बहुत किसी नुआ जिनस अच्छी जहाँ आखिरे न देखला पर्यंत आपणकर विश्वास हबनी किंतु ता पूर्वरु दुई जण स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करबा कारण जदि यूथ दे कथा पड़े ताहाले कोठना कोठी यूथ मानंकु सपोर्ट करूथबा गाइडेंस दौथबा से मानंकु ठीक रास्ता देखौथबा किछि एजुकेशनिस्ट कम फ्रेंड्स मानंकर आवश्यकता पड़ी थाए कारण फाउंडेशन
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ତିଆରି ହୁଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମ ସହିତ ଉଠ ଜାଗୋ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁବ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି ବେଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପରି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମ୍ ଫିଲୋସଫର ପରି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ପପୁଲାର, ସେମାନଙ୍କର ସର୍କଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାଇସେସ୍ ମାଗିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଫେସର ନଚିକେତା ଦାସ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏନ୍ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ନମସ୍କାର, ପ୍ରଫେସର ଦାସ ନମସ୍କାର। ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ୟୁଥ୍ମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଏତେ ସୁପର ବ୍ରେନ୍ସ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭିୱର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଫେସର ଦାସ, ଚୀନରେ କଥା ଅଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫର୍ ଏ ଇୟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ନ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫର୍ 25 ଇୟର୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରିଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫର୍ 100 ଇୟର୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେନ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ, ବର୍ଷକ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଧାନ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ, ଭଲ ପାଣି, ଭଲ ପବନ, ତା ସହିତ ଭଲ ଖାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ, ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତା ଛଡ଼ା ପାଠ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଆମ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ୟୁଥ୍, ମୋ ଭାଷାରେ ତ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଏ ଦାଦାରେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆର୍ ୟୁରାନିୟମ୍, ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ତିନିଟା ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଲଫା, ବିଟା, ଗାମା, ମୁଁ ଭାବେ ଦେ ଆର୍ ଦ ୟୁଥ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବିକଜ୍ ୟୁ ସି ଏ ଟ୍ରି, ଇଟ୍ ବିଗିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଟା ୟୁଥ୍କୁ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ସିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ ଦି ଫ୍ରୁଟ୍, ଦ ଫ୍ଲାୱର୍, ଦ ଟ୍ରି, ଦି ସ୍ୟାଡୋ, ମୋଷ୍ଟଲି ଟେକିଂ ଦି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଲିଭିଂ ଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍। କିଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ସେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଜର ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।